जब से जीएसटी की वजह से फ़ोन्स के प्राइसेस हाइक हुए हैं तब से मेरे कई सारे दोस्त लोग हैं जो कि मुझसे कह रहे हैं कि केशव भाई एक वीडियो बनाओ जिसमें 20,000 के अंदर के फ़ोन्स के बारे में आप हमको बताओ। तो दोस्तों आज मैं आपकी क्वेरी सॉल्व करने आ चुका हूं और आज मैं आपको टॉप 5 फ़ोन्स दिखाने वाला हूं जो कि 20,000 के प्राइस रेंज में आज आप खरीद सकते हैं। पर ये वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप हमसे चैट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको हमारी आईडीज़ मिल जाएंगी या फिर मेरी पर्सनल आईडीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो चलिए देखते हैं टॉप 5 स्मार्टफोन्स अंडर ₹20,000 दैट यू कैन बाय राइट नाउ इन इंडिया। अब अगर आप 20,000 के प्राइस में एक दमदार स्मार्टफोन तलाश रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि आप पोको X2 को आंखें बंद करके खरीद लीजिए। ये फ़ोन चाइना में रेडमी K30 नाम से लॉन्च किया गया था लेकिन कंपनी ने इसको इंडिया में पोको ब्रांडिंग के अंदर X2 नाम से पेश किया है। इस फ़ोन में आपको सब कुछ मिल जाता है जो भी आप एक 20,000 के फ़ोन में तलाश रहे हैं एक्सेप्ट फॉर द एमोलेड डिस्प्ले, क्योंकि इसमें 120Hz स्क्रीन रिफ्रेश रेट दिया है तो कंपनी ने थोड़ी सी कॉस्ट कटिंग वहाँ पे की है। इसका प्रोसेसर हो, इसकी बैटरी हो, इसके कैमराज हो या फिर इसका डुअल पंच होल डिस्प्ले हो, कुछ भी आपको निराश नहीं करेगा, सब कुछ एकदम दमदार है और आप इसे बिल्कुल खरीद सकते हैं। अब अगला फ़ोन जो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा वो भी X2 ही है लेकिन वो पोको का नहीं है, वो रियलमी का X2 है। जी हाँ, 20,000 के अंदर के प्राइस में दो X2 नाम के स्मार्टफोन आ जाते हैं जिनको आप कंसिडर कर सकते हैं। एक X2 तो मैं आपको बता चुका हूँ, दूसरे X2 की अगर बात करेंगे तो ये भी आपको कहीं भी निराश नहीं करेगा। इनफैक्ट इसमें आपको AMOLED डिस्प्ले भी मिल जाता है, 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप दिया है, 32 मेगापिक्सल की सेल्फी है। इसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 730G चिपसेट का इस्तेमाल किया गया है। ये फ़ोन अपने प्राइस रेंज में एकदम दमदार सब होता है। हालांकि यहाँ पे कुछ लोग कहेंगे कि रियलमी 6 प्रो क्यों ना कंसिडर करें, आपकी अपनी चॉइस है, आप रियलमी 6 प्रो को भी कंसिडर कर सकते हैं। उसकी लुक्स थोड़ी सी अलग है, उसमें कुछ अलग अलग फीचर्स दिए गए हैं लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप 20,000 के प्राइस में एक अच्छा स्मार्टफोन तलाश रहे हैं तो मैं आपको रियलमी X2 ही सजेस्ट करूँगा। 20,000 के इस स्मार्टफोन की इस लिस्ट में सैमसंग का भी एक फ़ोन शामिल है जिसका नाम है गैलेक्सी A50s। अब यहाँ पर आप कहेंगे कि इसका तो अपग्रेडेड वर्जन A51 भी आ चुका है लेकिन आपको बता दूं कि ये भी अपने प्राइस रेंज में वर्थ इट है। अगर आपका बजट 20,000 के अंदर है तो इसे कंसिडर कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर आपने देखा होगा तो GST के बढ़ने के बाद सैमसंग गैलेक्सी A50s के प्राइस बढ़ने की भी अनाउंसमेंट हुई थी लेकिन अभी अगर आप इसको ऑनलाइन सर्च मारेंगे तो मार्केट में आपको ये 20,000 के अंदर की रेंज में कुछ कुछ वेबसाइट्स पे ज़रूर मिल जाएगा। ऐसे में अगर आप एक अच्छी कंपनी का, एक ब्रांडेड कंपनी का स्मार्टफोन चाहते हैं जो कि आपको अच्छी परफॉर्मेंस, अच्छी लुक्स और अच्छे कैमराज मुहैया करवाए तो आप सैमसंग A50s को कंसिडर कर सकते हैं। शाओमी ने भी हाल ही में भारतीय बाजार में दो नए स्मार्टफोन्स को एक साथ पेश किया था, रेडमी नोट 9 प्रो और रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स। 15,000 के प्राइस में जब बात आएगी तो आप Redmi Note 9 Pro कंसिडर कर सकते हैं लेकिन जब 20,000 के अंदर के प्राइस रेंज की बात आएगी तो Redmi Note 9 Pro Max आपके लिए एक सही फ़ोन साबित होगा। 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप मिल जाता है और फास्ट चार्जिंग भी इसमें आपको मिल जाती है। फ़ोन देखने में काफ़ी शानदार है और परफॉर्मेंस भी इसकी आपको एकदम दमदार मिलने वाली है। इसमें आपको क्वालकॉम का नया चिपसेट 720G मिल जाता है तो देख सकते हैं कि हर मामले में ये फ़ोन आपको इस प्राइस रेंज में ज़रूर लुभाएगा और आप इसे कंसिडर भी कर सकते हैं। टॉप 5 स्मार्टफोन अंडर ₹20,000 की जो ये लिस्ट है इसमें शाओमी का एक और फ़ोन शामिल है। आप देख सकते हैं कि एक पोको हो गया, एक रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स हो गया और तीसरा जो है वो है रेडमी K20। जी हाँ, थोड़ा सा पुराना स्मार्टफोन है लेकिन आप देख सकते हैं कि पॉपअप कैमरा के साथ पेश किया गया यह स्मार्टफोन आज भी अपनी परफॉर्मेंस की वजह से काफ़ी दमदार माना जाएगा। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 730 चिपसेट मिल जाता है, फुल बेजलेस डिस्प्ले है, पॉपअप कैमरा मिल जाता है तो स्टाइल के मामले में कहीं भी पीछे नहीं रहेगा। अगर आप इसको फ़ोन को बाहर निकालेंगे अपनी पॉकेट से, फुल स्क्रीन जब दिखाएंगे लोगों को तो लोग ज़रूर इंप्रेस होने वाले हैं। ऐसे में स्टाइलिश फ़ोन कैटेगरी में तो ये शामिल होता ही है, साथ साथ परफॉर्मेंस भी इसकी दमदार है और 20,000 में आप इसे डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। तो ये थे टॉप 5 स्मार्टफोन जो कि 20,000 के प्राइस रेंज में आज आप कंसिडर कर सकते हैं। हालांकि इसके अलावा भी कई सारे स्मार्टफोन जो कि 20,000 के प्राइस रेंज में आ जाते हैं लेकिन टॉप की बात कहेंगे तो यही फ़ोन बेस्ट माने जाएंगे। ऐसे में यहां पर आपसे जानना चाहूंगा कि अगर आपका बजट 20,000 पे है तो आप इसमें से किसको कंसिडर करेंगे, प्लीज़ मेरे कॉमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताएं। और हमेशा की तरह अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अंटिल देन, दिस इज केशव खेरा साइनिंग ऑफ।